सिद्धी में आदिवासी व्यक्ति के अपमान की घटना सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित आदिवासी से मुलाकात की, उसके पैर धोए और तिलक लगाकर सम्मान भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से उसके परिवार का हाल पूछा। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित के साथ में भोजन भी किया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द पीड़ा और व्यथा से भर गया, इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान, मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहाँ बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है। बता दें कि पेशाब कांड की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन फौरन ही हरकत में आया और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया।